जय बजरंगबली। तो आज हम देखेंगे अमेजन प्राइम पर आने वाली वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर। तो पहले ट्रेलर देख लेते हैं और फिर देते हैं इस पर अपने रिएक्शन। तो करते हैं स्टार्ट। आज जो हुआ ये हमला किसी मार्केट पे नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ। सांप हमारे साथ खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं। ये हुई एंट्री। पुलिस खेल खत्म करती है। दिल्ली पुलिस, अब की बार दिल्ली पुलिस। कितने साल से हो विक्रम की टीम में? यही कुछ 3 साल मैम। फिर मैंने सही सुना है तुम्हारे बारे में। आई होप अच्छा ही सुना होगा मैम। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट नहीं। Why was it not on our radar? क्या हमारे पास कोई इंटेल नहीं था? मैंने और मेरी टीम ने इस केस पे रात दिन एक किया है। Do what it takes. I want those monsters. मैंने उसे देखा है। कॉपी ने उसका नेक्स्ट चैप्टर। पूरी दुनिया दिल्ली पुलिस पर उंगली उठा रही है। अगर हम लोगों ने देर कर दी सर तो पता नहीं वो लोग कहाँ निकल जाएंगे। काफी ज्यादा एक्शन है। इतना बड़ा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया और हमें इन्फॉर्म कभी तक नहीं गोवा में किया। कभी पश्चिम बंगाल में। बच्ची को छोड़ साले, जाने दे उसको। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हैदर तो जरार नाम है उसका। कहाँ है ये? 4, 5, 5 वो ब्लास्ट। मैं बताना चाहता है कि दिल्ली के बाद वो कमजोर नहीं हुआ है, अब वो रुकेगा नहीं। तो फिर हम भी नहीं रुकेंगे। ये यार बीजीएम जो करते हैं वो हमारा काम है और हमारी फैमिली हमारा बेसिक है। यूजुअल भी काफी अच्छे हैं। तो रोहित शेट्टी वाला एक्शन, गाड़ियों का उड़ना, बम ब्लास्ट है। वो तो है ही। डोंट मेक इट पर्सनल कबीर। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा मैम। ये लड़ाई उन सारे बेगुनाह हिंदुस्तानियों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इट इज पर्सनल एंड इट शुड बी वेरी पर्सनल। जंग की सिर्फ शुरुआत हुई है, जंग जीतना भी बाकी है। गेट दैट मॉन्स्टर। दिल्ली का लौंडा हूं सर, उठा के ले आऊंगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। इंडियन पुलिस फोर्स। ऑफिसर्स, इस चेहरे को अपने जहन में बसा लो। लेट्स फाइंड दिस गोस्ट हु बॉम्ब्स। ये है विलन, कौन है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर कैसा लगा? तो मुझे इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। इसमें आपको रोहित शेट्टी का स्टाइल, बेसिकली उनका जो होता है गाड़ियों का उड़ना, बम ब्लास्ट, एक्शन, वो सब देखने को मिला। स्टोरी का फोकस अब की बार दिल्ली पुलिस है, ना कि मुंबई पुलिस। बेसिकली उनका जो फोकस होता है मुंबई पुलिस होता है, बट अब की बार चेंज है। रोहित शेट्टी अब की बार डार्क कंटेंट लेकर आए हैं। वैसे तो उनका जो कंटेंट होता है वो मांस मसाला वाला होता है, वो तो इस वेब सीरीज में है ही, उसके साथ डार्क कंटेंट भी है। अगर कोप यूनर्स की बात करें तो स्टार्टिंग में सिंगम, फिर सिंगम रिटर्न्स, फिर सिम्बा, सूर्यवंशी और अब ये इंडियन पुलिस फोर्स। और इसमें जो करैक्टर है वो उन मूवी से कैसे अटैच होंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, वो देखना दिलचस्प होगा। इस वेब सीरीज के करैक्टर की बात करें तो इसमें है सिद्धार्थ मल्होत्रा, विवेक ओब्रॉय, शिल्पा शेट्टी, शरद केलकर और अन्य भी कलाकार हैं। ट्रेलर में ज्यादा फोकस सिद्धार्थ मल्होत्रा पर ही रखा गया है। स्क्रीन टाइमिंग उन्हीं का ज्यादा है ट्रेलर में। वे इस करैक्टर में फिट भी बैठ रहे हैं। उससे पहले हम अगर उनकी ऑफिसर करैक्टर की बात करें तो शेरशाह ऐसी मूवी में हम उनके करैक्टर, इस टाइप के करैक्टर को देख चुके हैं। शिल्पा शेट्टी, शी इज लुकिंग वेरी वेल एज पुलिस ऑफिसर। इससे पहले वो 10 मूवी में भी पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा चुकी है। वो पुलिस ऑफिसर के किरदार में अच्छी लग रही है। बात करें विवेक ओब्रॉय की तो वो जब सीरियस वाले रोल करते हैं तो वो उनको बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। वही पकड़ उनकी इस करेक्टर में भी दिखाई दे रही है।
इस ट्रेलर में जो एक्शन देखने को मिला वो आपको पसंद आएगा। वैसे भी रोहित शेट्टी का एक्शन अच्छा ही रहता है हमेशा। बीजीएम को लाउड रखा गया है, बीजीएम भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा ट्रेलर में। डायलॉग भी अच्छे हैं, बाकी वेब सीरीज में तो सुनने को मिलेंगे ही बहुत सारे। अगर इस वेब सीरीज के विलन की बात करें तो उसका चेहरा इस ट्रेलर में नहीं दिखाया, तो ये सस्पेंस रहेगा कि इस वेब सीरीज का विलन कौन है। फाइनली बात करूँ तो ट्रेलर में जो ड्रामा दिखाया गया है वो बहुत अच्छा है, बाकी कंप्लीट वेब सीरीज ही बताएगी। इसके राइटर एंड डायरेक्टर तो पता ही है रोहित शेट्टी। तो इस पर यही था रिएक्शन। मैं इस वेब सीरीज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। तो इसी पर यही था मेरा रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।